तो बच्चों अब करेंगे हम 16 क्वेश्चन और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए सर्कुलर हॉल ऑफ बिग रूम एंड ए हेमिस्फेरिकल रूफ। एक सर्कुलर हॉल है, गोला सा एक पूरा हॉल है और उसके ऊपर एक एक डोम है, ठीक है ठीक है, एक डोम है जिसको बोलते हैं गुंबद, है ना, एक हेमिस्फेरिकल रूफ उसको भी बोल सकते हैं ना। और वो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट हाइट इज़ इक्वल टू द इनर डायमीटर। ग्रेटेस्ट हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक तो ये एच है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये पूरा कितना होगा, ग्रेटेस्ट हाइट है ना, तो ग्रेटेस्ट हाइट इक्वल्स टू क्या है, इनर डायमीटर, इसका डायमीटर के बराबर है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट हाइट देखो क्या है, एच प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक हाइट है और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, तो एच प्लस आर ग्रेटेस्ट हाइट हो गई, एच प्लस आर इस इक्वल्स टू किसके बराबर है, डायमीटर का। डायमीटर क्या है, आर और आर, तो इसको लिख सकता हूँ टू आर। तो देखिए यहाँ से मैं इसको इधर फेंकता हूँ तो एच कितना हो जाएगा मेरे पे, टू आर माइनस आर, तो एच हो जाएगा बच्चों मेरे पे आर। एच किसके बराबर आ गया बच्चों, मेरा आर के बराबर। अब बच्चों क्या बोल रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब क्या बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ हॉल इज इतना। फ्लोर का एरिया निकालना है, नीचे नीचे का एरिया निकालना है। सबसे पहले उसने मुझे गिवन किया है, उसमें मुझे बोल रहा है कि कितनी कैपेसिटी ऑफ हॉल, हॉल कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ हॉल कितना है, इतना है, ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम, पूरे हॉल का वॉल्यूम इतना है। तो टोटल हॉल का वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, टोटल हॉल का वॉल्यूम, तो टोटल हॉल वॉल्यूम, टोटल हॉल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का और इसका हेमिस्फीयर का, है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों कितना इजी है। अब इस एच के जगह मैं आर लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी प्रूफ किया एच की इक्वल्स टू आर, तो मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ। तो देखिए 2/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर क्यू, ठीक है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, मैं एलसीएम ले लेता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, पाई आर क्यू प्लस ये हो जाएगा 3 पाई आर क्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 3 प्लस 2 5 पाई आर क्यू अपॉन 3। और बच्चों वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल हॉल का वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, कितना 48, हाँ लिख लेता हूँ मैं, देखो 48 48510 इक्वल्स टू इसके बराबर 5 पाई आर क्यू अपॉन 3, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखिए क्या आने वाला है मेरे पे आंसर, 8510 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 टू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्यूब, ठीक है जी। देखें इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, तो आर क्यूब हो जाएगा बच्चों कितना, 48510 इंटू 7 इंटू 3 होल अपॉन 22 इंटू 5, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये कितना हो जाने वाला है बच्चों, देखें फाइव नाइन जा 45, 5 6 7 8, 5 7 जा 35 0, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ पे फर्दर आगे पेज में सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पे आर क्यूब इक्वल्स टू 9702 इंटू 21 अपॉन 22, है ना। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 11 जा 2, 4 जा 8, 2 6 जा 2, 8 जा 2, 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 2, 1 जा 2, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से 11 से कट रहा है ये शायद, से नहीं कटेगा, तो देखते हैं क्या करा जाए इस पर। तो बच्चों ये पूरा 11 से कट रहा है, तो देखिए 11 से हो जाएगा ये 4
441 into 21, और बच्चों 441 into 21 कितना होता है बच्चों, ये हो जाए 9261। और बच्चों अगर मैं आर क्यूब रूट अगर मैं 9261 का करूँ, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो बच्चों 21 आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या था, मीटर, मीटर था सॉरी मीटर। तो रेडियस कितना आ गया बच्चों मेरे पे 21 मीटर आ गया। अब देखो रेडियस मेरे पे 21 मीटर आ गया, तो बस एरिया ऑफ फ्लोर मैं निकाल दूँगा। सिंपल, फ्लोर ही फ्लोर चाहिए, तो देखो फ्लोर तो एक गोला है, तो फ्लोर क्या है, पूरा एक सर्कल ही तो है। पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, इतनी टाइल से लगेंगे यहाँ पे, राइट। कितना ईजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट करते हैं।